कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 में आप सबका फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह लोहा बाजार की जानकारी के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित हूं। लोहे बाजार में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस, जिसके अंतर्गत एमएस इंगट, एमएस स्क्रैप का भाव की जानकारी, साथ ही पुराने लोहे के भाव की जानकारी, एचआरसी सीआरसी कॉयल, साथ ही साथ सरिया के बाजार की जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को विस्तार से देंगे और मार्केट के मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बारे में भी आपको अवगत कराएंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है, मंडी गोइंगढ़ एमएस इंगट की अगर बात करी जाए तो मंडी गोइंगढ़ एमएस इंगट में कल बाजारों में जैसे कि आपने देखा, एक बार बाजार 46,900 रुपए तक बाजार नीचे में गया और बाजारों में वहां से एक अच्छा बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, दो दिनों से लगातार चाइना का बाजार ड्रैगन फेस्टिवल के कारण बंद है, तो चाइना के बाजारों से कोई अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। लोकल बाजारों में, घरेलू मार्केट में सप्लाई डिमांड के हिसाब से ही बाजारों में कामकाज होता हुआ देखा जा रहा है। इसी के तहत एमएस इंगट का भाव कल 47,400 रुपए, 200 रुपए की मामूली बढ़त के साथ बाजार बंद हुआ। पुराने लोहे की बात करेंगे, 36,900 रुपए बाजार बंद हुआ। एमएस इंगट ओल्ड स्क्रैप का कन्वर्जन रेट 10,500 रुपए पे स्थिर बना हुआ है। इससे पहले आपको बता देते हैं, बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस आप अगर जानना चाहते हैं तो मॉर्निंग 9:30 का आप शो ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे 9:30 लाइव करके मिल जाएगा। चलिए बात करेंगे कास्ट आयरन की क्या स्थिति है। कास्ट आयरन में एक अच्छा उछाल देखा गया। मंडी गोइंगढ़ में टोका का भाव 40,000 रुपए वाला 40,500 रुपए हो गया और इंपोर्टेड कास्ट आयरन का भाव 41,500 रुपए रहा। एचआरसी सीआरसी कॉयल की बात कर लेते हैं। एचआरसी सीआरसी कॉयल में क्या स्थिति रही। लुधियाना एचआरसी कॉयल का भाव 56,000 रुपए रहा। सीआरसी कॉयल का भाव 59,700 रुपए। गाजियाबाद एचआरसी कॉयल का भाव 57,000 रुपए। सीआरसी कॉयल का भाव 63,000 रुपए पे कामकाज होता हुआ नजर आया। इसी के तहत कोलकाता एचआरसी चीट का भाव 53,000 रुपए, सीआरसी चीट का भाव 60,000 रुपए बाजारों में देखा गया। चलिए अब जान लेते हैं रायपुर एचबी वायर की क्या स्थिति रही। रायपुर एचबी वायर के भाव में गिरावट दर्ज करी गई। 49,900 रुपए पर रायपुर एचबी वायर का कामकाज हुआ। जीआई वायर का भाव 55,100 रुपए रहा। अगर एमएस पाइप में गोविंदगढ़ पाइप की बात करें तो 51,000 रुपए पर कामकाज हुआ। रायपुर पाइप का भाव 48,500 रुपए पे कामकाज होता हुआ नजर आया। तो ये सभी बेसिक रेट है, इस पर 18% जीएसटी लोडिंग अनलोडिंग का चार्जेस आपको अलग से दे होता है। चलिए अब जानेंगे कुछ मंडियों के टीएमटी के भाव क्या रहे। तो टीएमटी के भाव में मंडी गोविंदगढ़ से शुरुआत कर लेते हैं। मंडी गोविंदगढ़ में टीएमटी का भाव 52,000 रुपए तोड़ के 51,800 रुपए पे कामकाज हुआ। दुर्गापुर का भाव 46,500 रुपए हो गया। इंदौर का भाव 52,000 रुपए रहा। रायपुर का भाव 47,000 रुपए। जयपुर का भाव 50,300 रुपए। मुजफ्फरनगर का भाव 49,700 रुपए पे कामकाज होता हुआ नजर आया। भावनगर का भाव 50,200 रुपए। गाजियाबाद का भाव 51,300 रुपए। जलना टीएमटी 50,900 रुपए। पटना टीएमटी 48,300 रुपए रहा। यह सभी जो भाव है बेसिक रेट है, इस पर 18% जीएसटी लोडिंग एंड लोडिंग का चार्जेस प्लस डाया डिफरेंस आपको अलग से देना होता है। तो ये आपको भाव आपको बता दिए। मंडी गोविंदगढ़ में टीएमटी, रायपुर, दुर्गापुर के भाव अच्छे आ गए हैं। बाजारों में आप गिरावट पे खरीदारी कर सकते हैं। आप यहां से बाउंस बैक आने की संभावना बाजारों में दिखाई दे रही है। चलिए आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की बात कर लेते हैं। आज के सपोर्ट की अगर बात करेंगे, आज का एक अच्छा सपोर्ट का लेवल 47,000 रुपए का, रेजिस्टेंस का लेवल 47,800 रुपए का है। इसी के तहत पुराने लोहे का सपोर्ट का लेवल 36,500 रुपए का, रेजिस्टेंस का लेवल 37,300 रुपए का। ओवरऑल आउटलुक में बाजारों में गिरावट पे आप खरीदारी करिए तो बेटर है। आगे आने वाले समय में एंगल गार्टर चैनल रायपुर पाइप के भाव में आपको बढ़त आती हुई बाजारों में दिखाई देके चल सकती है। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24। नमस्कार।